कौशल बताए बिल्कुल हैं बिल्कुल बेहरे बिल्कुल सर ने और मैडम ने। अब स्टाफ जैसा पाठक मैडम ने बोला है, प्लान बनाते हुए उसमें कौशल कैसे इंक्लूड होगा और कौशल को ये भी कैसे गलती है। समझा जाए। सभी कौशल एक प्लान में नहीं होंगे, खुला वक्र हो सकता है 4 कौशल हो सकता है 5 कौशल। हाँ यही बात है, ये चीज आपको समझना है जब हमारे फैकल्टी समझाएंगे तब। ठीक है, अभी सुप्रिया ने जो बोला उससे समझ में आ रहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग हमको फिर से आपको पढ़ाना फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये जैसे पाठक मैडम का प्लानिंग है बहुत अच्छा है और पूरे स्टाफ मिलकर करेंगे और जिसके पास भी हमारे स्टूडेंट 5 SI होंगे वो उनके साथ जुड़कर पूरी अच्छे से टीचिंग सीखेंगे, क्योंकि ये स्किल है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल में बहुत सारे स्किल हैं, इनकलकेट हैं। स्टार्टिंग हो रही है प्रस्तावना से, आप कोई पेपर की कटिंग से प्रस्तावना बता सकते हो, कोई स्टोरी से प्रस्तावना बता सकते हो, कोई नाटक करके डांस करके आप मोबाइल से गाना बजा के आप बता सकते हो। प्रस्तावना निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और प्रस्तावना ही सबसे इंप्रेसिव होता है, तभी वो बच्चे का टीचर के साथ कनेक्शन बनता है और कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी टीचिंग फेल। तो सुप्रिया के उससे जिसने बहुत मेहनत किया, हमने जाके वहां पे भी देखा बहुत अच्छा क्लास कंट्रोल और बहुत अच्छा टाइम और बच्चे का और इसका। जब सुप्रिया जैसी लड़की से ये गलती हो रही है इसका मतलब वो बहुत मेहनत करने की जरूरत है आप लोग के साथ। तो आप लोग किसी भी प्रकार से घबराए नहीं, पाठक मैडम का जो सुबह का आप लोगों से जो वादा था या हम बोले निर्देश था वो एक कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है कि अब आपको एक बेस्ट टीचिंग मिलेगी। आपको सीखना है, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, सीखना आपको है। इस समय कोई एब्सेंट होगा तो वो आप तुम जानोगे।